नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और शुक्र राशि परिवर्तन के इस एपिसोड में। शुक्र, जिसे अंग्रेजी में वीनस यानी सुंदरता की देवी कहा जाता है, जिसे ज्योतिष में स्त्री ग्रह भी माना जाता है, जो वृषभ और तुला राशि का स्वामी है और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं तो कन्या राशि में इन्हें नीच का माना जाता है। शुक्र, जिन्हें दैत्य गुरु भी माना जाता है, जो व्यक्ति की कुंडली में विवाह से लेकर के संतान तक के योग बनाते हैं। ऐश्वर्य, आनंद, लाभ का कारक भी शुक्र को माना जाता है। जीवन में सुख समृद्धि भी शुक्र के शुभ प्रभाव से आती है। शुक्र जातक में कला के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं और कलात्मकता का विकास करते हैं। शुक्र जो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में आकाश में अपनी चमक से एक विशेष पहचान रखते हैं। शुक्र ही वह ग्रह है जिसे हम भोर का तारा भी कहते हैं। शनि, बुध और केतु के साथ में इनकी मित्रता है तो सूर्य और चंद्रमा और राहु के साथ में इनका शत्रुवत संबंध है। मंगल व बृहस्पति के साथ में इनका संबंध सामान्य है, अतः न्यूट्रल है। शुक्र का व्यक्ति की कुंडली में कमजोर या मजबूत होना बहुत मायने रखता है। शुक्र का राशि परिवर्तन करना ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से एक अहम गतिविधि है। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर शुक्र के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वैदिक ज्योतिष की माने तो शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के प्रभाव से आपको सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस ग्रह के प्रभाव में आने वाले व्यक्ति विशेष रूप से चित्रकारी, डांस, सिनेमा, रंगमंच, एक्टिंग या ये बोल सकते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं। शुक्र के शुभ प्रभाव से व्यक्ति सांसारिक जीवन में समस्त सुख साधनों को प्राप्त करता है। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। व्यक्ति की कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति उनके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा ये विशेष रूप से आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि शुक्र को विवाह का कारक भी कहा जाता है, इसलिए कुंडली मिलान में शुक्र को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक शुक्र ग्रह 1 अगस्त 2020 की प्रातः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा 31 अगस्त 2020 तक मिथुन राशि में विचरण करते रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के इस प्रभाव का, शुक्र के इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए बात करते हैं मेष राशि से। शुक्र आपकी राशि से जब पराक्रम भाव में गोचर वश आते हैं तब मित्रों की वृद्धि होती है, वहीं शत्रुओं की पराजय होती है, सर्कल में इंप्रूवमेंट आता है, धन की प्राप्ति होने लगती है और व्यक्ति का साहस, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। घरेलू सहायकों, हेल्पर का सुख बढ़ता है, अथवा नौकर चाकर का सुख बढ़ता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसी समय काल में भाग्य का भी उदय होता है या भाग्य का साथ मिलता है। सरकार की ओर से सहयोग प्राप्त होता है या सरकारी लोग आपकी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। भाइयों बहनों का सुख बढ़ जाता है और धर्म में आस्था और साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। शुक्र आपकी राशि से जब सेकंड हाउस में धन भाव में जब आएगा तब धन की बार बार प्राप्ति होगी, इन्वेस्टमेंट से बार बार गेन होगा या ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति जो भी एफर्ट करता है, जो भी रिसोर्सेज डेवलप करता है उसमें बार बार उसे गेन मिलता है। हेल्थ इस समय बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही साथ नए कपड़े या नए ऑर्नामेंट्स का यह समय है, शॉपिंग बहुत कमाल की करेंगे, भरपूर दाम्पत्य सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति का भी यही समय है यदि आप परिवार बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप संतान के बारे में कुछ सोच रहे हैं। इसी समय काल में गवर्नमेंट की ओर से भी मान सम्मान बढ़ता है, जो स्टूडेंट हैं उन्हें स्टडी में, उन्हें एजुकेशन में बहुत इंप्रूवमेंट आता है और जो युवा हैं उनको शरीर में सौंदर्य में निखार आता है। जो फीमेल हैं उनको ये बोला जा सकता है कि इसी समय काल में जब शुक्र उनकी राशि से सेकंड हाउस में, तब आपके सौंदर्य में, तब आपके रूप रंग में, तब आपके अंदर एक प्रकार का आकर्षण, एक प्रकार का खिंचाव आने लगता है। गायन, वादन, संगीत के क्षेत्र में, चाहे आप गाने वाले कलाकार हैं, चाहे आप संगीत के क्षेत्र में कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या कोई तबला वादक है, तो संगीत के क्षेत्र में जिस भी फील्ड में है, जिस भी स्ट्रीम में आप है उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो आपके एनिमीज हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपसे द्वेष रखने वाले, वे सभी अपने रास्ते लग जाएंगे।
अतः शत्रु का नाश हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। शुक्र आपकी राशि भाव में जब गोचर वश आएंगे तब सुख और धन इसकी प्राप्ति होगी, और जब अच्छाई मिलेगी, जब आपको पॉजिटिव मिलेगा तो नेगेटिविटी का नाश अपने आप हो जाएगा। अर्थात आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं, जो भी आपको दुख देना चाहते हैं, वो आपको दुख नहीं दे पाएंगे। पर ऐसे ही समय में व्यक्ति खुद कुछ दुराचार भी कर सकता है, गलत दिशा में भी जाने लगता है। इस गोचर में विवाह और संतान के जन्म का अवसर आता है तथा शिक्षा क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सभी प्रकार के मनोरंजन, वैभव, विलास और सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति का झुकाव सत्यता की ओर या आदर्शवादिता की ओर बढ़ने लगता है, झुकने लगता है। जो भी वो बिजनेस करता है वो बिजनेस इंप्रूवमेंट के रास्ते पर बढ़ता है, और स्पेशली लिक्विड पदार्थों की, चाहे वो सुगंधित द्रव्य हो, चाहे वो सेंट हो, परफ्यूम्स हो, फैंसी गुड्स हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, और चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, एंटीक हो, इनमें सब में लाभ बढ़ता है अर्थात गेन मिलता है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। शुक्र आपकी राशि से जब 12th हाउस में आता है तब नए नए मित्र बनते हैं, ठीक है, रुपए पैसे की, फाइनेंशियल गेन की तथा सुख सुविधाएं भोगने के साधन प्राप्त होते हैं। सुगंधित द्रव्यों की, सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होती है। यद्यपि आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी परंतु आपको मान सम्मान की हानि भी उठानी पड़ेगी। अर्थात एक तरफ गेन होगा, एक तरफ आपसे कुछ ऐसे कार्य होंगे जिससे आप बदनाम भी हो सकते हैं। इसलिए सोसाइटी में जहां भी जाएं बहुत संभल कर व्यवहार करें, हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें, अपने स्टेटस और रेपुटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल करें। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। शुक्र आपकी राशि से जब लाभ भाव में 11th हाउस में गोचर वश आते हैं तब धन की वृद्धि होती है। और यूं भी मैं बार बार कहता हूं कि राशि से 11th हाउस में जब भी कोई भी ग्रह आएगा वो पॉजिटिव फल ही देगा अर्थात गेन ही देगा, और ऐसे समय में आपका यश, आपकी रेपुटेशन, आपका स्टेटस, ये सब इंप्रूवमेंट पे होंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी और सभी कामों में सरलता से सक्सेस मिलेगी। ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना होने लगेगा, या ये बोल सकते हैं बड़े बड़े लोगों के आने जाने का अवसर मिलेगा। अर्थात बहुत अच्छी जगह पे, बहुत कॉस्टली जगह पे, बहुत 5-star होटल वाली कैटेगरी में आप खाने पीने की सामग्री को ग्रहण करेंगे या वहां पर आना जाना होगा, वहां पर आपका स्टेटस सिंबल बन जाएगा। दाम्पत्य संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से गहरी मित्रता के चलते आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, और इसी में मित्रों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। शुक्र आपकी राशि से जब कर्म भाव में आता है, 10th हाउस में गोचर वश आते हैं, तब शरीर में पीड़ा होने लगती है, मानसिक चिंताएं बढ़ जाती है, व्यक्ति स्ट्रेस में रहने लगता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है, और ऐसे ही समय में व्यक्ति को लॉस भी होने लगता है या उसका पैसा कहीं फंसने लगता है, अटकने लगता है, या अटकने की संभावनाएं हो जाती है, इसलिए वो चिंतित हो जाता है। नौकरी या व्यवसाय, इसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जो आपका बुरा चाहते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप एफर्ट करते हैं, उसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत आती है और यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल पाती है। आम आदमी भी आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। स्त्री वर्ग, चाहे वे घर की हो या वो ऑफिस की हो, उनसे आपको अपमान की, उनसे आपको दुख की प्राप्ति होती है। और जो परिवार वाले हैं, संबंधी हैं, उनसे भी अनबन होने लगती है। सरकार की तरफ से भी आपको परेशानी आने लगती है। ऐसी स्थिति में आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय अवश्य करने चाहिए। और वो उपाय क्या है, इस एपिसोड के एंड में मैं आपको डिटेल में बतलाने वाला हूं कि कौन सा उपाय करने से क्या आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें तुला राशि की। शुक्र आपकी राशि से भाग्य भाव में जब गोचर वश आते हैं तब व्यक्ति को बहुत महंगी शॉपिंग का, या ये बोल सकते हैं कॉस्टली ऑर्नामेंट्स की प्राप्ति होती है। जमकर शॉपिंग करता है, शरीर बहुत स्वस्थ रहता है और अपने काम काज में आशा से अधिक सक्सेस पाता है, आशा से अधिक लाभ प्राप्त करता है अर्थात गेन होता है। और ये भी हो सकता है कि कोई स्थायी संपत्ति, या ये बोल सकते हैं कोई व्हीकल वो प्राप्त कर सकता है, खरीद सकता है। गवर्नमेंट की ओर से भी सहायता मिलती है, और ऐसे ही समय में घर में मांगलिक उत्सव या धार्मिक उत्सव होते हैं। आपके जीवन साथी द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है।
आपके फ्रेंड्स के द्वारा, कलीग्स के द्वारा या छोटे भाई बहनों के द्वारा आपको लाभ मिलता है और साथ ही बड़े भाइयों से भी सहायता और स्नेह मिलता है। इसके अलावा देश के अंदर ही आपको लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है और यदि आपका प्रोफेशन ही ट्रैवलिंग से संबंधित है तो यात्राएं आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तो यात्राएं करनी ही पड़ेंगी। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। शुक्र आपकी राशि से 8th हाउस में जब गोचर वश आएंगे तब धन की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ सुखों में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे समय में आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको भोग विलास या ये बोल सकते हैं कि सांसारिक सुखों की सामग्री में वृद्धि हो जाएगी, सामग्री में वृद्धि हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपके कुटुंबीजन हैं, जो भी आपके परिवारजन हैं, वे भी धन तथा सुख से मदद करेंगे, अर्थात उनकी वजह से आपको सुख प्राप्त होगा और फाइनेंशियल गेन होगा। जो स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में होंगे। आइए अब बात करें धनु राशि की। शुक्र आपकी राशि से जब 7th हाउस में आएंगे, 7th हाउस को आपके दाम्पत्य सुख के लिए, गृह सुख के लिए जाना जाता है और 7th हाउस में शुक्र को कभी भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ आकर के एक प्रकार से सिद्धांत काम करता है, कारको भावनाशाय, जिस भाव का कारक है वो अपने ही भाव में आकर के उस सुख की हानि करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपमानित होने का भय लगा रहता है, बहुत मेहनत से जीवन यापन होता है, अर्थात जो रोजगार है उसका बहुत मुश्किल से किसी न किसी ढंग से वो अपना जिंदगी चला लेता है। जननेन्द्रिय संबंधित रोगों से कष्ट होता है, जीवन साथी से भी विवाद रहता है या फिर जीवन साथी के रोगी रहने की संभावनाएं बन जाती है। अन्य विपरीत लिंगी अर्थात जो अपोजिट जेंडर है उनसे प्रेम आदि के कारण हानि या अपमान सहना पड़ता है, यात्राएं अधिक करनी पड़ती है, इसलिए आपको भी शुक्र ग्रह की शांति के उपाय अवश्य करने चाहिए, वो उपाय मैं इस एपिसोड के एंड में देने वाला हूं। आइए बात करें मकर राशि की। शुक्र आपकी राशि से 6th हाउस में गोचर वश आने वाले हैं, इससे शत्रुओं की वृद्धि होगी और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा। साझेदारों से व्यापार संबंधी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जो भी यात्राएं करेंगे उनमें भी दुर्घटनाएं हो सकती है या यात्राएं असुविधाजनक स्थिति में कंप्लीट हो सकती है, यात्राओं से कष्ट मिलेगा और ऐसे ही समय में जीवन साथी भी आपसे विमुख हो सकता है, इसलिए आपको तो शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। शुक्र आपकी राशि से शिक्षा भाव में, राशि से 5th हाउस में गोचर वश आने वाले हैं, इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा, फाइनेंशियल गेन की बार बार प्राप्ति होगी और बहुत ही अच्छे ढंग से रहना, खाना पीना या ये बोल सकते हैं कि आपका लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूवमेंट की स्टेज पे रहेगा, रहन सहन उच्च स्तर का होने लगेगा, आपकी नाम की ख्याति बढ़ेगी, यश की वृद्धि होगी और ऐसे ही समय में जो भी आपके एनिमीज हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे, संतान आदि के जन्म का भी अवसर आपको मिल सकता है और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से संबंध पक्के रूप में स्थापित हो जाएंगे, व्यक्ति डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में सक्सेस प्राप्त करेगा और एंटरटेनमेंट के स्थान, चाहे सिनेमा हो, पार्क हो, मनोरंजक स्थान हो, वहां पर अधिक आना जाना लगा रहता है या फिर आउटिंग पर जाने लगता है। आइए अब बात करें मीन राशि की। शुक्र आपकी राशि से 4th हाउस में गोचर वश आने वाले हैं, इससे अधिकांश मनोकामनाएं आपके पूर्ण हो जाएगी और फाइनेंशियल गेन की बार बार प्राप्ति होगी, सुख सुविधाएं, भोग विलास, ऐशो आराम, इनके साधन और सामग्री दोनों की प्राप्ति होगी और अच्छे वाहन की भी प्राप्ति होने की संभावना है, सगे संबंधियों से सहायता प्राप्त होगी और ऐसे ही समय में जनता से संपर्क तथा प्रेम भी बढ़ेगा, जो भी जनसंपर्क क्षेत्र में है, जो भी समाज सेवा में है, जो भी राजनीति में, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। ऐसे ही समय में, ऐसे ही गोचर में व्यक्ति तन और मन दोनों से विशेष ताकत की अनुभूति करता है। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है और वह घर, वाहन, वस्त्र या अपना जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करता है, क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, इन सभी सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से ही इनकी प्राप्ति होती है।
यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों की कमी आती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय अवश्य करने चाहिए ताकि शुक्र के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में भी खुशहाली आए। अगर आप शुक्र के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं या शुक्र के अशुभ गोचर से पीड़ित हैं तो ये उपाय करके आप अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, शुक्रवार के दिन बैल या गाय को चावल पका करके घी शक्कर डाल करके, ऑफ कोर्स जो चावल आप पकाते हैं वो ठंडा होना चाहिए, उसको गाय या बैल को खिलाना है। हर शुक्रवार के सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना है, जैसे मीठे चावल, मीठी ज्वार, चीनी, बतासे, मिश्री, खीर, आइसक्रीम, कोई भी मीठी वस्तु आप दान दे सकते हैं या किसी जरूरतमंद को भेंट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। उपाय नंबर 3, शुक्र ग्रह के यंत्र का या श्री यंत्र का, लक्ष्मी चौंतीसा यंत्र का या कुबेर यंत्र का पेंडल और साथ में जरकन जड़वा करके आपको लॉकेट के रूप में धारण करना चाहिए। या फिर सिर्फ और सिर्फ श्री यंत्र की अंगूठी, चौंतीसा यंत्र की अंगूठी या कुबेर यंत्र की अंगूठी आपको हाथ में पहन लेनी चाहिए, चाहे सोने में हो चाहे चांदी में हो, जो भी आपके सामर्थ्य हो उसके अकॉर्डिंग। उपाय नंबर 4, देवी कवच या श्री सूक्त का रोजाना शाम के समय पाठ करना चाहिए, जब भी साय की आरती होती है उस समय काल में। जो भी घर की स्त्रियां हैं उन्हें कम से कम ये याद कर लेना चाहिए, तो जो भी स्तुति बोलती हैं उसमें देवी कवच जो कि दुर्गा सप्तशती के आरंभ में ही आता है, और या फिर श्री सूक्त जिसके अंदर 16 मंत्र ही होते हैं उसका पाठ करें। इससे बेस्ट उपाय शुक्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो लोग मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, जो लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, जो लोग एक जगह बैठ करके कोई भी उपासना या साधना नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना शुभ रहता है, अथवा 10 महाविद्या कवच और अष्टलक्ष्मी कवच दोनों का संयुक्त पैंडल बना करके, संयुक्त कवच बना करके वो धारण करें तो और भी कमाल का रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं मंत्र जाप की। या तो एकाक्षरी मंत्र अतः जिसे बीज मंत्र बोला जाता है, और या फिर शुक्र का तांत्रिक बीज मंत्र, उसका आप जाप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, और शुक्र का तांत्रिक बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। जो आपको इजी लगता है रोजाना उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इससे आपके जीवन में भी सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, जिंदगी आसान होगी, जो आपकी कामना है वो पूर्ण होगी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, आपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, उसके बावजूद भी आप उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर कि दूसरे कम मेहनत में पहुंच चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका कारण आपकी जन्म कुंडली है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में वो दशा चल रही है जो आपके जीवन में कष्टकारक ग्रह की दशा है, ऐसी स्थिति में आप कितना भी एफर्ट करेंगे, अपना जान डाल देंगे उस काम में, तब भी आपको दूसरों से पीछे ही रहना पड़ेगा। या ये बोल सकते हैं आप जिनको सिखा रहे हैं, आप जिसको ट्रेंड कर रहे हैं, वही आपको ओवरटेक कर रहे हैं और वही आपके ऑफिसर बन रहे हैं, ऐसा सामान्य तौर पर देखा गया। तो ऐसी स्थिति में आपको झांकना पड़ेगा अपनी कुंडली में, आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा कि इस समय काल में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपकी उन्नति में रोड़ा डाल रहा है या कौन से ग्रह को आपने मनाना है। तो हमेशा उपाय तो दो ही हो सकते हैं, एक जो आपके जन्म कुंडली में शुभ ग्रह हैं उनको और शुभ बनाना है, और एक जो आपकी कुंडली में नेगेटिव है उन्हें शांत करना है। तो पॉजिटिव को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है और नेगेटिव को जितना डाउन करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव और नीचे चला जाएगा, पॉजिटिव और ऊपर चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आएंगे। ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर ज्योतिषी नेगेटिव चीज़ों को ही कंट्रोल करते रहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आप इनकम को इंप्रूवमेंट पे नहीं करते हैं, इनकम को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, खर्चे को ही कम करते रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या आप भूखे मर करके जिंदगी चलाएंगे? आप खाना पीना बंद कर देंगे, एक्सपेंसेस करना बंद कर देंगे? आपको दोनों ही चीजें करनी पड़ेगी, जो फालतू खर्चा है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा और आपको अपनी इनकम के रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी ग्रह स्थिति है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ में स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी, दोनों के साथ में खेलना पड़ेगा, और एक अच्छा ज्योतिषी जब होता है तो वो दोनों के साथ में ही प्ले करता है। जहां रत्न पहनने की संभावना होगी वहां रत्न पहनेंगे, चाहे उपरत्न पहनेंगे,
और जहां दान की संभावना है वहां आप दान करेंगे, जो पूजा करना है वो आप पूजा करेंगे, व्रत करना है तो व्रत करेंगे, तो कोई समस्या उसे चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक व्रत से, सिर्फ आपने किसी पंडित महाशय को बुला दिया और एक बार अभिषेक करवा दिया, एक बार कोई हवन करवा दिया और फिर आप ये सोच करके बैठ जाए अब तो मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन एक पेज पर लिखिए, अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है वो नोट करिए, और यदि कुंडली कहीं बहुत नीचे दब गई है आपके सब पेपरों में उसे निकालिए, उसे साफ करिए और फिर उसके बाद में टाइम स्लॉट बुक करिए ताकि आप और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली पर बात करें, आपकी प्रॉब्लम पर बात करें, आपकी कामनाओं पर बात करें और आगे फ्यूचर पर बात करें कि कितने समय के बाद में आप रेस के घोड़े बनने वाले हैं और कहां तक आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। और सेक्रीफाइस करते हुए भी आपको अपने आप को तो बहुत स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। आज आपको सक्सेस नहीं मिल रही इसका मतलब आप सीखना छोड़ देंगे, आपको सीखना भी कंटिन्यू स्टार्ट रखना पड़ेगा और जिस दिन आपको मौका मिलेगा उस दिन आपके अंदर जो काबिलियत है वो लोगों के सामने आ जाएगी और आप रातों रात उस सक्सेस की सीढ़ियों पर खड़े मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सीरियस होकर के अपनी जिंदगी के बारे में झांकना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम देख करके सब चैनल बदल करके जिंदगी में विशेष कुछ भी नहीं होगा जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे। आज बस इतना ही, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करें, बहुत बहुत धन्यवाद।